एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका होस्ट अर्जे मदनी और गाइज मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ अपनी इस वीडियो में मेक म्यूजिक पार्ट 3। और आप सबका स्पेशली थैंक्स कि आप मेरी वीडियोस को देखते हैं और आपने मेरे चैनल को गाइज सब्सक्राइब किया हुआ है। और गाइज आज फिर मैं एक आपके लिए एक सेशन लेके आया हूँ जिसमें मैं आप सबको बताऊँगा कि हम किस तरह से म्यूजिक को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज ओके, तो हम वर्क स्टार्ट करते हैं। तो मैंने FL Studio 12 को ओपन कर लिया गाइज। इसके बेसिक्स पर मैंने मोस्टली वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप मेरे लिंक्स चेक करें वीडियोस की, और वीडियोस को लाजमी देखें। और गाइज अब आपके सामने ये चैनल रैंक है, तो आपने क्या करना है जी, सब चैनल रैंक के जो सैम्पल्स हैं आपने उन सबको डिलीट कर देना, क्योंकि अब ये हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि हमने जो वर्क करना है वो न्यू सैम्पल्स पर करना है, न्यू साउंडस पर करना है। ओके गाइज, सो लुक एट मी बी केयरफुली। तो मैं यहाँ पर अपलोड करने लगा हूँ एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही अच्छा मेकिंग म्यूजिक प्लगइन। तो गाइस आपने एम्प्रेस करना, तो यहाँ पे आ जाएगा मॉर्फोइन। ओके गाइस, तो जब आप इस प्लगइन को ओपन कर लेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से इसका साउंड जो है वो क्रिएट होता है। तो गाइस इसकी मोस्टली टाइप्स हैं। ओके गाइज, इसकी ये मोस्टली टाइप्स आप देख रहे हैं कि प्री सेट्स लाइब्रेरी ऊपर राइट हुआ है, मींस ये कि इसकी ये सारी साउंड्स की लाइब्रेरी है। तो गाइज आपने क्या करना है, वैसे ये जितने भी यहाँ पे साउंड्स पड़े हैं आप उन सब पे वर्किंग करें, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन जो मुझे यहाँ पर एक बेटर साउंड लग रहा है जो कि मैं म्यूज़िक बनाने में उसको यूज़ कर सकता हूँ, तो गाइज ये है, लेट्स में जाके एनालॉग सा। ओके गाइज, तो मैं इस पे वर्क स्टार्ट करता हूँ और मैं अपने कीबोर्ड से इसको प्ले करने लगा हूँ। सो गाइज, तो ये आ गया इसका पियानो रोल। तो गाइज मैंने आपको बताया हुआ था कि जितनी भी वर्किंग करते हैं वो हम एक मेलोडीज के फेस में करते हैं, यानी कि मेलोडी क्रिएट करके करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे भी मैं आपके सामने मेलोडी क्रिएट करने लगा हूँ। तो गाइज़ ये सब इसके कॉर्ड्स हैं C7 C6 C5, और अगर आप इन मेलोडीज़ को सीखना चाहते हैं तो आप मेरी पियानो रोल वाली वीडियोस को लाजमी देखें। और मैंने उसमें सारे डाटा के बारे में बताया हुआ कि हम किस तरह से जो है वो मेलोडीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज़ मैं अभी मेलोडी आपके सामने अभी क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। गाइज़ आप ऊपर देख रहे हैं कि अभी मैंने अपना टेम्पो सेट नहीं किया हुआ था। तो गाइज़ अगर आपको स्लो टाइम म्यूज़िक चाहिए तो आप इसका म्यूज़िक जो है इसका जो टेम्पो है उसको आप लो रखें, और अगर आपको हाई म्यूज़िक चाहिए तो आप इसके टेम्पो को भी हाई रखें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके गाइज़, तो मैं इसका टेम्पो कर देता हूँ 100 तक। गाइज आई थिंक मुझे इसका टेम्पो जो है वो अच्छी तरह से सेट करना चाहिए। और अब सुनते हैं कि क्या चीज़ क्रिएट हो रही है। कंट्रोल प्रेस बी करेंगे तो आप इस सारे की कॉपी कर सकते हैं, और इस तरह आपको पैटर्न बनाने में बहुत आसानी होगी गाइज। ओके गाइज, ये जो साउंड अभी मैंने आपके सामने प्ले किया हुआ है दिस इज़ वेरी क्रैशफुल साउंड। तो गाइज़ आपने क्या करना है कि आप इसकी सेटिंग्स में जाएं, और ये देखिए आप इसका देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी भी है, अटैक भी है, डिले भी है, और इसका लेवल भी है, दिस इज़ मेजर थिंग्स। और बाकी इसका ऑलरेडी पैटर्न सेट हुआ हुआ है। तो अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आप एक प्रोफेशनल टाइप से म्यूज़िक को क्रिएट करें तो आप उन सब को भी सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आई थिंक अगर आप ये मेजर चीज़ों को सेट कर दें तो आपको ज़्यादा जो है वो दिक्कत नहीं आएगी, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके गाइस, तो मैं क्या करता हूँ,
इसको सेट करने लगा हूँ। ओके गाइस, तो इसके बाद आपने क्या करना, ये मैंने फर्स्ट पैटर्न क्रिएट कर दिया और ये बहुत ही अच्छा साउंड बनाया। मैं आपको अगेन इसको प्ले करके आपको सुनाता हूँ। सो गाइस, अब चलते हैं इसके सेकंड पैटर्न में, और सेकंड पैटर्न में क्रिएट करने लगा हूँ तो मुझे चाहिए एक ट्रांसीटर बेस। आप यहाँ पे टी प्रेस करेंगे तो ट्रांसीटर बेस एक बड़ा सा प्लगइन है, और आप को मैं थोड़ा सा इसके बारे में डेमो देके बताता हूँ। फिर उसके बाद मैं इस पर एक प्रोफेशनली एक बीट क्रिएट करता हूँ, उसकी मेलोडी को क्रिएट करता हूँ। सो सबसे पहले ये एक डेमो चेक करें ज़रा। ओके गाइस, ये अभी सारे का सारा साउंड मैंने अपने कीबोर्ड पे प्ले किया, मैंने अपनी कीज़ को प्ले किया। तो गाइस, सिंपल इसकी कीज़ है जो कि मैंने आपको अपनी सेकंड वीडियो में बताया हुआ है, तो गाइस वो सेकंड वीडियो भी लाजमी देखें। और गाइस, अब क्या करते हैं, एक छोटा सा डेमो और फिर देख लें कि गाइस ये देखें, मैं जिस की को प्रेस करूँगा उस पर एक सिग्नल आ जाएगा। ओके गाइज, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इसकी मेलोडी को कुछ इस तरह से क्रिएट करें, तो गाइज फिर इसकी जो है साउंड हुआ है वो इस कुछ इस तरह से आएगी। और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल एक स्ट्रेट वॉल्यूम क्रिएट हो, तो फिर इसकी साउंड जो है वो बेटर भी आएगी और कुछ इस तरह से आएगी। और गाइस, आप जितना भी चाहें इसका जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप जितना चाहें इसके लेवल को उतना ही क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज, अब क्या करना है, आपने इसकी एक अच्छी सी फॉर्म को सिलेक्ट करना है, और ये जो आप एरोज देख रहे हैं यहाँ से आप किसी भी फॉर्म्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज, आपने यहाँ पर एक सीक्वेंस ऑफ एक बड़ी अच्छी फॉर्म म्यूजिक की है इसमें जो उन्होंने ऐड की हुई है। तो गाइस, आपने क्या करना है, फर्स्ट पैटर्न में जाना है और कंट्रोल सी से आप सबको कॉपी कर लें, और सेकंड पैटर्न में आके कंट्रोल वी से आप सबको जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज, अब सुनिएगा, जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गाइज, अब देखिएगा कि ये जो प्लेलिस्ट मैं आपके सामने अभी क्रिएट करने लगा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फर्स्ट पैटर्न आप यहाँ पे पेस्ट करता हूँ जो कि कुछ इस तरह से है। तो गाइस, जो सेकंड पैटर्न मैं इसके साथ यूज़ करूँगा तो फिर उससे इसका साउंड जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। और गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप स्टार्ट से ही सारे पैटर्न को सिलेक्ट करके, यानी कि दोनों पैटर्न आप एक टाइम पे यूज़ करना चाहते हैं, तो आप वैसे भी करें, बेटर आएगा। ओके गाइज, तो अब मैं आपके सामने एक बीट पैटर्न बनाने लगा हूँ, तो मैं अपने ब्राउज़र को ओपन करने लगा हूँ और यहाँ से जो है कुछ
साउंड्स को वहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, फिर उन पे वर्क करूँगा। गाइज मुझे यहाँ पे चाहिए एक अच्छी बेस, ये भी बहुत अच्छी बेस है गाइज, और VT VD भी बहुत अच्छी बेस है। इन दोनों को मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। तो गाइज अब मुझे एक चाहिए एक अच्छी सी क्लैप, और गाइज मैंने कुछ साउंड्स जो है वो के अपलोड किए हुए थे, और वहाँ से फिर मैं आपको एक क्लैप यूज़ करके सुनाने लगा हूँ। यहाँ पे मैंने एक क्लैप गाइज यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आई थिंक अभी भी सो गाइस क्लैप जो है वो ड्रम्स में जब आप जाएंगे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड्स हैं। यहाँ पे जब आप साउंड आप एक देखते हैं तो आपको उस जैसे हज़ारों मिल जाते हैं, तो इस तरह फाइंड करना काफ़ी डिफरेंट होता है। तो गाइस आप देखें, ये क्लैप ही काफ़ी आ गई हैं, और गाइस ये सारी यहाँ पे काफ़ी और भी क्लैप्स हैं। इसलिए जब आप किसी चीज़ को फाइंड करते हैं तो फिर उसकी जो लोकेशन को भी याद रखें। और गाइज यहाँ पर चूंकि बातें तो बहुत हो गई है, तो अभी मैं आपको यहाँ पर एक बीट पैटर्न बना के सुनाऊंगा। तो मुझे यहाँ पर एक स्नेयर भी चाहिए। तो गाइज लेगजी में जाने के बाद आप इसके जब ड्रम्स में जाएंगे तब तो विंटेज आपने ओपन करना है, तो यहाँ पर स्नेयर आपको मिल जाएगी। ओके गाइस, तो अब ये सारे साउंड्स को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो अब मैं यहाँ पे वर्क करने लगा हूँ। तो गाइस आपने ऊपर सिग्नल को प्ले कर देना, तो ताकि आप जितना भी वर्क करें चैनल रैंक में आपको वही सुनाई दे, और ये प्लेलिस्ट वाला जितना भी आपने वर्क किया है वो आपको ना सुनाई दे। ओके गाइस, सो गाइज अब पूरा एक बीट पैटर्न बन गया, तो आप सुनिएगा आप। सो गाइज अब इन सबको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और अब इन सारे पैटर्न को सुनते हैं। और मैंने यहाँ पे बताया आपको कि हम किस तरह से सबसे पहले मेलोडी क्रिएट कर सकते हैं, फिर वहाँ पे कॉपी करके हम जो है वो पेस्ट कर सकते हैं किसी भी पैटर्न में। बस यह कि आपने प्लगइन को सिलेक्ट करना और आपने कोई भी अच्छी सी फॉर्म को सिलेक्ट करना। तो गाइज इसके बाद मैंने आपको बताया कि हम बीट पैटर्न बना सकते हैं, तो अब सुनिएगा कि आखिर वो किस तरह क्रिएट हुआ है। ओके गाइज, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये सारा क्रिएट हो गया। तो मैं स्टार्ट में मेरे माइंड में कुछ आ गया कि स्नैप यूज़ करना चाह रहा हूँ मैं। तो गाइज आप भी स्नैप्स यूज़ करें, जो अभी मैं आपके सामने यहाँ पे ऐड करने लगा हूँ, काफ़ी आपको बेटर साउंड लगेगा। और आप चले जाए पैटर्न फॉर्म में। तो गाइज यहाँ पे स्नैप आपको अभी मैं फाइंड करके बताता हूँ। ड्रम्स में जाने के बाद विंटेज, नहीं गाइज इसमें नहीं होगी, और आई थिंक यहाँ से हिप हॉप, और यहाँ पे स्नैप। जी यस गाइज, ये दिस इज स्नैप्स। गाइज काफ़ी अच्छी स्नैप्स भी हैं, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह एक हार्श साउंड को एक अच्छी साइड पे प्ले कर सकते हैं। सो गाइज स्नैप फुल लिस्ट फोर स्टेप एंड देन यूज टू प्ले लिस्ट फर्स्ट स्टेप। गाइस स्टार्ट में मैंने सबको सेट करना था, लेकिन चूंकि मैंने गाइस
गाइस, तो अब मैं आपको एक यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे यूज़ करके बताऊंगा, जो कि मैंने सेकंड पार्ट में भी बताया था कि हर सॉन्ग का, हर एक म्यूज़िक का एक इमोशन होता है। जिस तरह हर मूवी में एक सस्पेंस होता है गाइस, और मूवी में एक मेन सीन होता है जो कि एक पूरी मूवी की जान होता है। तो गाइस, ऐसे ही कुछ एक मैं आपके सामने क्रिएट करके आपको बताऊँगा, जो कि मैं स्नेयर के साथ करूँगा। सो गाइस, सिग्नल प्ले कर लें। सो गाइस, दिस इज तो अब सुनते हैं गाइस सारे साउंड को, कि किस तरह से ये प्ले हुआ है और किस तरह से ये अपना एक सस्पेंस क्रिएट करने वाला है। सो गाइस, यहाँ पर एक और मैं लास्ट स्टेप यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ, तो गाइस वो भी सुनिएगा। अपने म्यूज़िक में ना कुछ ऐसा ना ऐसा टच करते रहें कि आपका जो है ना म्यूज़िक इस तरह बेटर हो के सुनने वाले को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। सिर्फ एक ही लाइन में आपका म्यूज़िक नहीं होना चाहिए। ओके गाइस, सो यहाँ पे भी आप सुनिएगा। आप ओके गाइस, लास्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये सब मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, तो आप ये सुनिएगा। अगर गाइस आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, आपके माइंड में कुछ डाउट है, और अगर आपको मेरी कोई मिस्टेक नज़र आए, तो गाइस नीचे कमेंट ज़रूर करें। और इसी तरह मैं आपके लिए मोस्टली वीडियोस बनाता रहूँगा, और मेरी वीडियो को देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो लास्ट में इस म्यूज़िक को प्ले करने के बाद मैं म्यूज़िक को MP3 में कन्वर्ट करूँगा और हमेशा की तरह आपको म्यूज़िक को सुनाऊँगा। तो गाइस, इसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। ओके गाइस। ओके गाइस, लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप मुझे लगा कि शायद मैंने यहाँ पर लास्ट पैटर्न जो है वो क्रिएट कर दिया, लेकिन वो मैंने क्रिएट नहीं था किया। तो गाइस, आपका थोड़ा सा टाइम और चाहूँगा और आपको दोबारा से सुनाऊँगा। ओके गाइस, सो गो टू फाइल एंड सिलेक्ट एक्सपोर्ट, देन कन्वर्ट टू MP3 फाइल एंड सिलेक्ट वेयर यू सेट दिस। गाइस, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, लेकिन इतनी भी नहीं वीक जितनी शायद आप लोग समझ रहे होंगे। और गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब लाजमी करें। और अब आप देख रहे हैं कि ये सारी जो है वीडियो, ये सारी जितनी भी ऑडियो मैंने यहाँ पर एक क्रिएट की है, ये सारी जो MP3 में कन्वर्ट हो रही है और डेस्कटॉप पे ये मुझे मिल जाएगी गाइस। और इसके बाद थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर मेरी ये वीडियो देखी, और इसी तरह मुझे प्यार करते रहे, इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक करते रहे, इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। ओके गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट आरजे मदनी, गुड बाय, टेक केयर।